नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राहुल गांधी एक पुरानी समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं और वो समस्या है विदेशों में जाकर भारत की समस्या के बारे में बात करना। जो समस्या वो यहां सुलझा नहीं पा रहे, वो समस्या वो विदेश में जग जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में है और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसका विरोध किया जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी रहे, तो वहीं उन्होंने भारत में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि भारत, अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन ऐसा नहीं कर रहा है। राहुल के इतना कहते ही देश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने चीन की तरफदारी करने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो चलिए, हमारी आज की खास रिपोर्ट में इसी मुद्दे को नजदीक से समझते हैं और बताते हैं राहुल गांधी की बातों में कितना है दम और क्या वाकई चीन में बिल्कुल भी नहीं है बेरोजगारी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी क्लियर, नॉट एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ओके, The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. राहुल गांधी इन दिनों अपनी 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं। बीते रविवार को वो टेक्सास पहुंचे और वहां पर भारतीय प्रवासी कार्यक्रम में शिरकत की। भारतीयों से बात करते हुए राहुल गांधी ने फिर कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया है। इसमें सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी का रहा। दरअसल राहुल गांधी ने यहां चीन की भर भर कर तारीफ की है और अमेरिका के सामने दुनिया की नई उभरती नई शक्ति भारत की कमियों को गिनाया है। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत सरकार की भी जमकर आलोचना की है, जिसका अब भारत में विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। सुनिए। One of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society to find out what are the exact demographics of our country. What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. अब राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी चीन के लिए लड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। दुनिया अगस्त 2024 तक चीन में 17% युवा बेरोजगारी दर से अवगत हैं, तो सवाल यह है कि क्या यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके एमओयू के कारण है कि वो हमेशा चीन की बात करते हैं और भारत की बात नहीं करते हैं। वो भारतीय कानूनी प्रणाली पर सिर्फ इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वो जमानत पर बाहर हैं। वो भारत में सामाजिक तनाव की भविष्यवाणी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति है। चलिए, जिस चीन और भारत की बेरोजगारी पर इतना घमासान मचा है, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं, राहुल गांधी की बातों में कितना दम है, हम अभी बता देते हैं। पहले जानिए भारत में बेरोजगारी दर से जुड़ी कुछ खास बातें। जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर 3.7% थी। मार्च 2024 में बेरोजगारी दर 3.8% रही। जून 2024 में बेरोजगारी दर 9.2% रही, जो मई 2024 में 7% से ज्यादा रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 2000 के मुकाबले दोगुनी हुई है। वहीं अब बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन की, जहां राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं। साल 2024 में चीन में बेरोजगारी दर 5.19% रहने का अनुमान है। साल 2024 में चीन में बेरोजगार लोगों की संख्या 40.85 मिलियन रहने का अनुमान है। साल 2023 में चीन के शहरी इलाकों में करीब 10.74 मिलियन लोग बेरोजगार थे।
यह पिछले साल के 12.03 मिलियन से कम है। साल 2023 में चीन के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर में 5.1% रही। साल 2023 में चीन के 31 प्रमुख शहरों में बेरोजगारी दर पूरे साल के लिए 5% रही। साल 2023 में चीन के ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों की संख्या 297.53 मिलियन रही। यह पिछले साल के मुकाबले 1.91 मिलियन ज्यादा है। साल 2023 के जुलाई में चीन की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.3% हो गई थी। साल 2023 के जून में चीन के शहरी इलाकों में 16 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 21.3% पर पहुंच गई थी। देखा जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, ये बात पूरी तरह से गलत है। माना कि भारत में ये समस्या ज्यादा है, मगर दूसरे देशों में इस समस्या पर राजनीति की रोटियां सेकना क्या सही है? क्या यह सही हर बार विदेशी धरती पर अपने ही देश की बुराई करना? एक सच्चे नेता का धर्म ये होता है कि वो देश की समस्या को समझे और देश में ही उस समस्या का हल करने का प्रयास करे, उसके लिए आवाज उठाए, ना कि दूसरे देशों में जाकर उस समस्या पर राजनीति के लालच में प्रहार करे। फिलहाल हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।